नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G40 Fusion vs Infinix Hot 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G40 Fusion में 6.68 इंच जबकि Hot 11S में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G40 Fusion से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto G40 Fusion में 2.99 इंच जबकि Hot 11S में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Moto G40 Fusion में 0.38 इंच जबकि Hot 11S में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G40 Fusion में 225 ग्राम जबकि Hot 11S में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। Any ideas? डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G40 Fusion में 6.8 इंचेस जबकि Hot 11S में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G40 Fusion में 1080x2460 और Hot 11S में 1080x2480 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G40 Fusion में 85.43% जबकि Hot 11S में 84.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G40 Fusion में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11S में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G40 Fusion में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G40 Fusion में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 11S की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G40 Fusion में Adreno 618 जबकि Hot 11S में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G40 Fusion में Qualcomm Snapdragon 732G और Hot 11S में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Hot 11S में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 11S में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G40 Fusion में अप टू 1TB जबकि Hot 11S में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Moto G40 Fusion में 6000 mAh जबकि Hot 11S में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto G40 Fusion में 2 कलर्स जबकि Hot 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज़
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें हॉट 11S की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G40 फ्यूजन में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11S की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो G40 फ्यूजन आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में मोटो G40 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Samsung Galaxy M51 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।